For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस 13 के घर में इन दिनों आसिम रियाज का बुरा हाल हो चुका है। हिमांशु खुराना के प्यार में आसिम रियाज ऐसा फंसे हैं कि ना तो उन्हें गेम की कोई सुध है, तो वहीं बीती रात बड़ी ही आसानी से कैप्टनसी भी उनके हाथों से निकल गई। खैर, लगता है कि आसिम रियाज को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों इन पर प्यार का खुमार छाया हुआ है। बिग बॉस के पुराने सीजन्स को उठाकर देखें तो कई ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जो कि लाइमलाइट में रहने के लिए ही घर में रिश्ते बनाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को आसिम और हिमांशु खुराना का रिश्ता भी सिर्फ कैमरे तक ही लगता है। तो वहीं अब खुद हिमांशु की माँ को भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि हिमांशु घर में किसी और की तरफ झुकती चली जा रही है। एक इंटरव्यू में हिमांशु खुराना की माँ ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला है। हिमांशु की माँ का कहना है कि आसिम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट शो है और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले हफ्ते तक हमने देखा कि रश्मि और सिद्धार्थ एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। ये गेम शो है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी इसे सीरियसली लेगा। साथ ही उनकी माँ ने ये भी कहा कि लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो मुझे नहीं पता कि क्या झूठ है और क्या सच है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हिमांशु को घर में आसिम रियाज की तरह एक अच्छा दोस्त मिला है। आसिम काफी अच्छा इंसान है और मैं इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि उन दोनों का फ्यूचर क्या होगा। शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.